ये देखिए दोस्तों, मेरे बालकनी के ठीक सामने जो तार है वहाँ पर ये जुवेनाइल बी ईटर्स बैठे हुए हैं। ये दो हैं और ये एक और है, तीन। इसके तो टेल फेदर जो सेंट्रल वाली है वो लंबी हो चुकी है, तो ये एडल्ट है या सब एडल्ट होगा। लेकिन जो ये दोनों हैं इनके देखिए अभी भी टेल फेदर सेंट्रल वाला, जो टेल फेदर लंबा वाला होता है, वो अभी नहीं डेवलप हुआ है। तो इसका मतलब कि ये जुवेनाइल ही है अभी। और अभी कुछ पकड़ा भी है इन्होंने, कीड़ा पकड़ा है जो एरियल सेलिंग का तरीका होता है उसी से, और खा रहे थे ऊपर बैठ के। आज गर्मी थोड़ी सी कम है, अभी थोड़ी देर में मैं निकलूँगी, डीघल की तरफ जाऊँगी। इस वाले पेड़ में मैंने कई बार देखे हैं टेला बर्ड्स, मुनियाज और कभी कभी वाइट आई भी, लेकिन समहाउ उस समय शूट करने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। तो अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने एक टेला बर्ड यहाँ पर बैठी हुई देखी थी, अभी उड़ गई है यहाँ से। दोस्तों आज मैं डीघल की तरफ आई हूँ फिर से। नॉर्मली सुबह के टाइम जो कि ड्यूटी रहती है तो आने का मौका ही नहीं मिल रहा था बहुत दिनों से, और दोपहर तक इतनी गर्मी हो जाती कि पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर भी कुछ छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन सा चल रहा है, पहले ये सारी ज़मीन खाली होती थी, और ये सामने भी यहाँ कुछ कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया है। खेती में तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ज़्यादा पैचेस नहीं है, ज़्यादातर तो ऐसे ही घास उगी हुई है। अब क्या प्लान है, ये पूरे वेटलैंड्स थे पहले, यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आया करती थी। तो अपने पिछले वीडियो में जो मैंने बायोम्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया था, तरह तरह के आपको बायोम्स बताए थे, वो सारे ज़मीन पर पाए जाने वाले मतलब टेरेस्ट्रियल बायोम्स थे। और आपको पता ही है कि हमारे पृथ्वी का जो हिस्सा ज़मीन है वो केवल 29 मतलब 29% है, और बाकी का 71% जो है वो पानी है। तो जाहिर सी बात है कि टेरेस्ट्रियल बायोम से कहीं ज़्यादा बड़ा एक्वेटिक बायोम है, क्योंकि जो पानी वाला बायोम है उसको एक्वेटिक बायोम बोलते हैं। तो ये दो भागों में डिवाइडेड है, पानी में नमक कितना है उसके बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है। तो मरीन, जिसमें कि नमक की मात्रा करीब करीब 3.5% तक हो सकती है मैक्सिमम, और दूसरा है फ्रेश वाटर बायोम, जिसमें नमक की मात्रा 0.005% मतलब नाम मात्र से भी कम नमक की मात्रा होती है। उसके अलावा यहाँ पर सनलाइट कितना पेनिट्रेट करता है पानी में, उसका टेम्परेचर कितना है, उसके बेसिस पर भी डिवाइडेड होते हैं। तो जो पानी और ज़मीन जहाँ पर मिलते हैं वो ट्रांजिशन एरिया होता है। इसी तरह से दो टेरेस्ट्रियल बायोम, जैसे मान लीजिए डेजर्ट और ग्रासलैंड जो एक दूसरे से लगे हुए हैं आसपास, तो जो उनका जंक्शन है वो ट्रांजिशन जोन होता है। तो इस ट्रांजिशन जोन को इकोटोन कहते हैं, और ट्रांजिशन जोन में हमेशा स्पीशीज़ रिचनेस ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती है, क्योंकि दोनों तरह के बायोम्स की स्पीशीज़ जो है वो ट्रांजिशन वाले जोन में पाई जाएंगी। तो अगर हम पानी वाले मतलब एक्वेटिक बायोम्स को देखें, तो फ्रेश वाटर बायोम्स के अंदर ही हमें मार्शेस हैं, वेटलैंड्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं जहाँ पे ज़मीन और पानी का जंक्शन है या ट्रांजिशन जोन है। उसी तरह अगर हम समुद्र को देखें, जो मरीन इकोसिस्टम है, तो जो कोस्ट लाइन है या फिर जहाँ पर समुद्र और नदी का जहाँ पे मेल हो रहा है, वो जगह आपका डेल्टा या एस्टुअरी उसको कहते हैं। तो उस जगह का एक इकोसिस्टम अलग होता है और वो काफ़ी रिच होता है, जैसे कि आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबंस में, और इसी तरह दुनिया में और भी कई जगह पाए जाते हैं। आइलैंड्स जो पानी के अंदर एक अलग आइसोलेटेड इकोसिस्टम शो करते हैं, जो आइलैंड्स होते हैं, जो द्वीप होते हैं, उनका बड़ा ही यूनिक एक स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में बताया था कि वहाँ पर स्पीशीज़ रिचनेस बहुत ज़्यादा है, और करीब करीब 25 एंडेमिक स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की वहाँ पर, मतलब 25 ऐसी बर्ड्स हैं जो केवल और केवल अंडमान निकोबार में ही पाई जाती हैं। ऐसे ही जानवर भी हैं, इन्वर्टिब्रेट्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, हर लेवल के प्राणी जो हैं वो आपको मिलेंगे हर तरह के इकोसिस्टम में। लेकिन स्पेशली जो आइलैंड्स, जो द्वीप का इकोसिस्टम होता है, वो बहुत ही रिच होता है स्पीशीज़ के डाइवर्सिटी के अंदर। ये धान की खेती ज़ोरों शोरों से शुरू हो गई है, देखिए सारे खेतों में हरे हरे धान के छोटे छोटे पौधे लहलहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के बीच में यहाँ पर ये ब्लैक विंग स्टिल्ट है, ये देखिए ये बैठा हुआ है, क्योंकि घास आ रही है बीच में ना, तो वो फोकस कैमरे का उस पर जा रहा है, इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है। तो जो फ्रेश वाटर बायोम्स होते हैं वो देखिए दो तरह के होते हैं मेनली, दो तरह के मतलब, एक वो जहाँ पर पानी स्थिर खड़ा रहता है, जैसे कि आपके तालाब हो गए या झील हो गए, पॉन्ड्स एंड लेक्स,
दूसरे हो गए वो फ्रेश वाटर बॉडीज जो कि बह रही हैं, मतलब बहता पानी जो है जिसके अंदर आपका नदी नाले आ जाएंगे। तो जो स्थिर पानी है, जैसे कि आपका मान लीजिए कोई झील है या तालाब है, तो उसको तीन जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो एक जो सबसे ऊपर वाला जोन है जिसके अंदर सनलाइट बहुत अच्छे से आती है, वहीं पर आपको ज़्यादातर सारे प्राणी मिलेंगे, मतलब प्लांट्स और छोटे छोटे जो एनिमल्स जो रहते हैं पानी में। ये दूर मेरे ख्याल से कैटलीग्रेट्स हैं पीछे, हाँ। तो ये जो है जो सबसे ऊपर वाला जोन है जिसके अंदर की सनलाइट का पूरा बढ़िया पेनिट्रेशन है, वो करीब करीब सिर्फ 200 मीटर तक होता है। तो इसको कहते हैं लिटोरल जोन, और लिटोरल जोन में ही सबसे ज़्यादा आपको क्रीचर्स मिलेंगे, क्योंकि पानी में रोशनी आना बहुत ज़रूरी है उनके सर्वाइवल के लिए। प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस तभी कर पाएंगी अगर उनको सूरज की रोशनी मिलेगी, और प्लांट्स पर सर्वाइव कर रहे दूसरे जानवर भी तभी रह पाएंगे अगर पौधे वहाँ पे ग्रो कर पा रहे हैं। लिटोरल जोन के नीचे वाला जोन है वो लिम्नेटिक जोन कहलाता है। लिम्नेटिक जोन में कुछ दूर तक रोशनी जाती है, लेकिन उसके बाद वहाँ पे रोशनी नहीं जाती है। तो इसमें भी प्राणी पाए जाते हैं, लेकिन उतने नहीं जितने कि लिटोरल जोन में पाए जाते हैं। उसके नीचे वाला जो जोन है, जो डीप वाटर है, उसको कहते हैं प्रोफंडल जोन। तो प्रोफंडल जोन में रोशनी बिल्कुल नहीं आती है, और यहाँ पर केवल वही प्राणी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि आपके बैक्टीरिया, फंगाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि दूसरे डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स की जो बॉडीज होती हैं, या फिर जो जानवर वेस्ट क्रिएट करते हैं, मतलब जो उनकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट होता है, वो सारा कुछ प्रोफंडल जोन में जमा होता है। जो सबसे नीचे वाला डीप वाटर जिसको कहते हैं, उसके अंदर ये जमा होता है, और उस पर ये बैक्टीरिया, फंगाई और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर रहने की सहूलियत इसलिए है क्योंकि इनको सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है पानी में, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड होता है, वो भी लिटोरल जोन में ही सबसे ज़्यादा होता है। लिम्नेटिक जोन में उससे कम होता है, प्रोफंडल जोन में बहुत ही कम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में मिलेगा। तो पानी के अंदर जो बायोम्स बनते हैं वो मेनली इन्हीं चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं, कितनी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उसमें है, कितना टेम्परेचर है उस पानी का, कितनी सनलाइट वहाँ पर आती है, उसी हिसाब से आपको वहाँ पे स्पीशीज मिलेंगी। दोस्तों आज फिर वही ब्लैक विंग्ड काइट मिल गया है, बिल्कुल उसी जगह पर मिला है, उसी पोजीशन में बैठा हुआ मिला था। मैंने गाड़ी भी रोकी उसके साइड में, उस दिन तो मैंने गाड़ी के अंदर से कर ली थी रिकॉर्डिंग, लेकिन आज जो है ये गाड़ी जैसे ही रुकी ये उड़ के थोड़ी दूर जाके बैठ गया। तो अब मुझे बाहर निकल के शूट करना पड़ रहा है। बाहर निकले वैसे ये होता है कि बाहर की आवाज़ें थोड़ी ज़्यादा सुनाई देती हैं। ये देखिए फिर उड़ गया, आज इसको शक हो गया है। ये इधर जा रहा है, ये जा रहा है, चला गया ब्लैक विंग काइट। तो ये इसी जगह पर रहता है। तो सारे जो पशु पक्षी होते हैं ये अपना एरिया इसलिए डिलीनिएट करके रखते हैं, अलग करके रखते हैं, जिससे कि अपनी ही स्पीशीज़ के दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ इनको बेकार में कम्पीट ना करना पड़े। और हर इंडिविजुअल जो है वो दूसरे के एरिया का या उसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो टेरिटरी है, उसकी इज्जत करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। तो इसलिए इनमें आपस में कंपटीशन, अननेसेसरी कंपटीशन अवॉइड हो जाता है। ये दो लाफिंग डव यहाँ पे घूम रहे हैं। देखिए ये जो पीछे वाला है ये मेल है, इनका भी ये डिस्प्ले होता है। तो ये लाफिंग डव्स का पैर है यहाँ पर, और इस जगह पे अभी काफ़ी जो है जो पेड़ पौधे सूख गए थे उनमें काफ़ी ग्रीनरी आ गई है, जबकि बहुत ज़्यादा बारिश अभी नहीं हुई है। ये क्या है, मेरे ख्याल से वही रॉक चैट है, हाँ ब्राउन रॉक चैट है ये। और यहाँ मैं साइड में आपको दिखाती हूँ कि घास वगैरह जो साइड में लगी हुई थी कितनी ज़्यादा हो गई है। ये देखिए कितनी ज़्यादा ये घास हो गई है यहाँ पर और इस तरफ भी। ये जो पेड़ हैं ये एक्चुअली थोड़ा सेमी डेजर्ट टाइप का, सेमी एरिड वेजिटेशन ही है। ऐसे पतली पतली पत्तियाँ और कांटे वाले पेड़ जो हैं ये थोड़ा ड्राई एनवायरनमेंट में मिलता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो इसलिए इस तरह के पौधे यहाँ पे मिलते हैं। ये आपको राजस्थान में मिलेंगे, और पहले भी हरियाणा में ग्रासलैंड्स होते थे। ग्रासलैंड्स और डेजर्ट्स आसपास ही होते हैं, एक दूसरे में ब्लेंड हो जाते हैं। तो ये पेड़ भी अब हरे भरे हो गए हैं, आप देखिए। इसी जगह पर एक बार मुझे फ्रैंकोलिंस मिले थे जो तीतर हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे हमेशा केयरफुली आती हूँ, बहुत धीरे धीरे।
कि अगर बाई चांस ये बाहर बैठे हुए हैं तो डर के भाग ना जाए। अभी बीटर और ड्रोंगोस भी उड़ रहे हैं यहाँ पर।